इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सर्राफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी कि 22 अप्रैल को सोना 73,161 रुपए पर था, जो कि अब यानी कि 27 अप्रैल को 72,448 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो इस हफ्ते इसकी कीमत में 713 रुपए की गिरावट आई है। इसके अलावा हम लोग बात कर ले सिल्वर की यानी कि चांदी की, तो IBGA की वेबसाइट के मुताबिक हफ्ते की शुरुआत में चांदी 81,849 रुपए पर थी, जो कि अब 81,374 रुपए पर किलोग्राम पर आ गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस हफ्ते इसकी कीमत 465 रुपए गिरी है। अब हम बात करेंगे महानगरों की, वहां पर सोने की कीमत कितनी है। सबसे पहले बात दिल्ली राजधानी की, तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,000 है और 24 कैरेट सोने की कीमत 73,080 रुपए। मुंबई में 22 कैरेट की कीमत है 66,850 रुपए, 24 कैरेट की 72,930 रुपए। कोलकाता में 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 66,850 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,930 रुपए। वहीं अगर हम लोग बात कर ले चेन्नई की, तो चेन्नई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 67,700 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,760 रुपए। वेल IBGA के मुताबिक इस साल अब तक सोने के दाम में 9,096 रुपए बढ़ चुके हैं अगर हम बात करें साल 2024 की, क्योंकि 1 जनवरी को गोल्ड की कीमत 63,352 रुपए थी, जो कि अब 72,448 रुपए पर 10 ग्राम हो चुकी है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 73,395 रुपए से बढ़कर 81,374 रुपए पर पहुंच गए हैं। अगर हम इस साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अच्छा खासा जंप हम लोगों को सोने में देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स के लिहाज से बात करें तकरीबन 12-13% का रिटर्न भी इस साल इन्वेस्टर्स को मिला है जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि सोना थोड़ा सा गिरावट के साथ और थोड़ा सा नीचे जाएगा और 70,000 तक के लेवल पर जा सकता है। तो ऐसे में सलाह ये दी जा रही है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जरूर शामिल कर ले। लेकिन आगे के दिनों में गोल्ड के बढ़ने की बात भी इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से सोने की कीमतों में आगे जाके बढ़ोतरी होगी। और कहा तो ये भी जा रहा है कि 2030 तक सोने की जो कीमतें हैं वो 1,68,000 रुपए पर 10 ग्राम तक भी हो सकती हैं। तो ऐसे में आप अभी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। जैसे जैसे कीमत इसकी कम हो रही है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी इस बार देखने को मिल रही है गोल्ड में। आपको क्या कुछ लगता है कि अगले हफ्ते सोने और चांदी की चाल कैसी रहने वाली है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे तो गोल्ड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।